जरा तू ही सही कर ले। मैं कर लूंगी अब्बा, पहले आप कर लो, मैं पानी लेके आती हूँ। साथ में कर ले बेटा। अब्बा आप लेट हो जाओगे, पहले आप कर लो। शर्त के वो जायज और हलाल।
पढ़े लिखे होने के साथ साथ काफी जहीन भी मालूम पड़ते हैं। आप जिद करते हैं तो बता देता हूँ, मेरे घर का सेफ्टी टैंक चौक हो गया है, पूरा पाखाने से भर गया है, उसे साफ करना है, आप कर पाएंगे? मैंने कहा था ना नहीं कर पाएंगे। चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आपको कुछ जरूरत है तो आप ये पैसे रख लीजिए। मेरा काम के लिए पैसा नहीं मिलता, मेरे उसको के खिलाफ। चलिए मैं चलने के लिए तैयार हूं। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नाम मोहम्मद रजा। आइए। इंसानियत के लिए जो है काम करने का एक जरिया सरकार के नाम, हमें जरूरतमंदों को इसमें तलाश करना चाहिए और ये हर अमीर मुसलमान पर कर्ज है कि ज़कात वक्त पर अदा करे और उनमें उन गरीबों का हिस्सा हो जो उसके जरूरतमंद हैं। ज़कात जो है अपने माल को तैयब करती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी ज़कात करता है और इसके माल में कीमत भी नहीं लगती, उसका माल चोरी भी नहीं होता, तो माल अल्लाह रब्बुल इज्जत गारंटी ले रहा है, इस बात की जमानत दे रहा है कि आपका माल तैयब हो जाएगा, आप 10% जो है ज़कात का अदा कर दोगे। हमें खासतौर से जरूरतमंदों को तलाश करने का हुक्म है, तलाश हमें करना चाहिए। या अल्लाह आज मेरी तलाश करी, मेरे परवरदिगार रजा जैसे बंदों पर अपना रहम करम फरमा मौला। मेरे घर काम के लिए पैसा नहीं लेता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है।
जी बताइए, मुझे कहाँ से काम शुरू करना है? दरअसल मेरा कोई सेफ्टी टैंक खराब नहीं था और मुझे कोई काम भी नहीं करवाना था। दादा भाई, आपसे इस छोटी सी मुलाकात में मैंने ये महसूस किया कि आप जितने मुस्तहिक और जरूरतमंद हैं उतने ही खुददार भी हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि खुददारी और आना अपनी जगह है, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर खुददारी और आना और अल्लाह का हुक्म जो अफजल होता है उसमें से अगर इंतखाब करने को कहा जाए तो आप किसका इंतखाब करेंगे, खुददारी का या अल्लाह का? जाहिर है अल्लाह के हुक्म का। बिल्कुल, आपने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। मैं किसी काम को करवाने के लिए नहीं निकला था, दरअसल मैं तलाश करने निकला था ऐसे जरूरतमंद की, ऐसे मुस्तहिक की जो बहुत जरूरतमंद हो, और मैंने देखा कि इस वक्त आपसे ज्यादा जरूरतमंद कौन हो सकता है जो रोजे की हालत में भी गिलाजत में सराबर होने के लिए तैयार है, और अल्लाह ने मेरी जरूरत और वो तलाश पूरी कर दी है। आप खुदा रंग पैसों को अतिया समझ करके मेरी तरफ से रख लिए। कितने पैसे किस लिए? अभी तो मैंने कोई काम भी नहीं किया। ये इतने पैसे नहीं है, ये तो ज़कात का पैसा है, और ये आप मुझसे ले रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं रजा भाई। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ ताकि मेरा माल हलाल हो जाए, पाक हो जाए, और उसकी हिफाजत अल्लाह ताला करे ताकि आइंदा मैं और आप जैसे किसी मुस्तहिक की मदद कर सकूं। और खुदा रहा, आप इन पैसों को रख लीजिए, लीजिए रख लीजिए। खुदा की कसम, इन पैसों की मुझको शदीद जरूरत थी, लेकिन मेरी खुददारी आड़े आ रही थी। मेरी बच्ची कल बगैर से ही के रोजा रखी। सच्चाई के रास्ते कुछ शरारत से कम नहीं, आजमाइश के पल खनी कुहरी रास्ते।